और हमारे साथ निखिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। निखिल, आज झांसी में राष्ट्र रक्षा महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम है, क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम होगा? निखिल, आप सुन पा रहे? ठीक है, निखिल से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समर्पण पर्व में शामिल होने के लिए झांसी पहुंचेंगे और 3 दिनों तक यह कार्यक्रम भव्य तरीके से चलेगा, जिसमें सेना अपना पराक्रम दिखाएगी, अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करेगी और सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी 19 नवंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई के किले में यह कार्यक्रम रखा गया है और किले में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। निखिल, आज झांसी में राष्ट्र रक्षा महापर्व की शुरुआत होने जा रही, 3 दिनों तक ये पर्व चलेगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, झांसी में ये कार्यक्रम होना है और जिस तरह से हमारे देश की तीनों सेनाएं लगातार बॉर्डर पर काम कर रही हैं और देश में एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं, तो एक तरह का ये कार्यक्रम होगा जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझ में आए कि किस तरह से सेना विषम परिस्थितियों में काम करती है और किस तरह से सेना हमारी रक्षा करती है। झांसी में कार्यक्रम रखा गया है, मुख्यमंत्री भी लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। तकरीबन 1:15 पर झांसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहाँ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री भी रहेंगे। निश्चित तौर पर आपने देखा, कल भी इस तरह से जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ तो दौरान एयर शो किया गया एयरपोर्ट की तरफ से, तो किस तरह से सेना को लेकर लोगों के मन में भाव है वो दिखाने की कोशिश है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सेना जब अपनी ताकत दिखाएगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपसे बातचीत करेंगे। तो बढ़ते आगे, आज झांसी और महोबा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे और 19 तारीख को महोबा पहुंचेंगे पीएम मोदी। जनसभा के लिए तैयार ग्राउंड का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। अर्जुन बांध का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। जिले के अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग भी होनी है, समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ में। आज महोबा और झांसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा है, 2 जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे, सबसे पहले झांसी और उसके बाद महोबा, क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल, उन्हें सुबह 10 बजे लखनऊ से प्रस्थान करना है और 11:05 के आसपास वो महोबा पहुंचेंगे। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना के स्थलीय निरीक्षण करना है उनको, इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर वहाँ बैठक करनी है और उसके बाद वो झांसी के लिए निकल जाएंगे। झांसी में चूंकि कार्यक्रम होना है सेना का तो उसको लेकर वहाँ भी उनको पहुँचना है, तो आज जो है उनका दौरा महोबा से शुरू होगा और लगातार आप देखें तो ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से खास करके उत्तर प्रदेश में जो तमाम विकास की परियोजनाएं हैं वो धीरे धीरे जब पूरी हो रही हैं तो मुख्यमंत्री के दौरे भी तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए।